नई मुंबई अंतर्राष्ट्रीय विमानतल को दीपा पाटिल साहब का नाम देना चाहिए, यह हमारी मांग है। और उस इस मांग को साकार लाने के लिए और दीपा पाटिल साहब को समर्थन देने के लिए 24 तारीख को जो बड़ा आंदोलन हुआ और वो अभी एक महीना हो चुका है, और वही मीटिंग में वही आंदोलन में जो कृति समिति है, कृति समिति ने वहाँ जाहिर किया है कि जब गवर्नमेंट सरकार बात नहीं सुनते तो हम 16 तारीख से बोले 15 तारीख से पहले, बोले 15 तारीख तक उन्होंने कुछ निर्णय नहीं दिया तो हम 16 तारीख को एयरपोर्ट बंद करेंगे, ये तो जाहिर किए है। अभी ये काउंटडाउन चालू हो चुका है और अभी तक जो हमारे जानकारी की तब से राज्य सरकार की तरफ से कुछ भी मीटिंग हो या बुलावल है या कुछ लिखित पत्र कुछ भी उसके बारे में कुछ भी अटेंड नहीं कर रहे लोग, कुछ नहीं, कुछ मैसेज नहीं, कुछ संदेश नहीं, किसी तरह का कुछ शिष्टमंडल लेके आइए या उनका कुछ फोन कुछ नहीं, ऐसा तो अभी तक तो। इसीलिए आगे का जो प्रोग्राम उन्होंने ऐसा तय किया है कृति समिति का, उनका वो अधिकृत 5 तारीख शायद पत्रकार परिषद होने वाले है और आगे का कार्यक्रम जारी करने वाले हैं। लेकिन हमारे जानकारी के जानकारी ये मिल रही है कि 9 अगस्त क्रांति दिन, वो 9 अगस्त क्रांति दिन के दिन अंग्रेज चले जाओ एक नारा दिया था, वही क्रांति दिन का एक निमित्त लेकर वही क्रांति दिन के दिन वही समय मशाल मार्च की तैयारी हो रही है। गांव गांव जितने गांव है 4 जिले हैं, वो 4 ही जिलों में मुंबई सहित सभी जिले में जितने विलेज है सब विलेज में वो मशाल मार्च निकालने का तैयारी की नियोजन चालू है। फिर गणपति महोत्सव है, उस दौरान जन जागृति कैसी हो, ऐसे सारे आगे का जो प्रोग्राम शायद होने वाले जो 5 तारीख का उन्होंने कुछ तय किया है, वो पनवेल में जो अग्रि परिषद मंदिर है उस परिषद के हॉल में मीटिंग होने वाले, आपको निमंत्रित हो जाएंगे। लेकिन मशाल मार्च का कार्यक्रम तय किया है और वैसा आगे आगे प्रोग्राम वो देता जाए। अगस्त क्रांति दिन में अंग्रेज चले जाओ एक नारा था, आज हमारा वही नारा रहेगा कि दमन शाही चले जाइए, दर्द शाही चले जाओ, हुकुम शाही चले जाओ, इस तरह का नारा रहेगा उसके अंदर। क्योंकि ये जो सरकार है ये सरकार पूरा अंधेरे में है, पूरा अंधेरा है, और उनको जगाने के लिए उसको जगाने पूरा अंधेरा है, उनको दिख नहीं रहा आगे का कि लोगों की भावना क्या है। जो स्थानिक भूमिपुत्र है, फिर देश का भूमिपुत्र हो, महाराष्ट्र का हो या नई मुंबई का भूमिपुत्र हो, उनका हक और अधिकार है, उनका कुछ अस्मिता है, उनकी पहचान है, वो पहचान की हक दिलाने के लिए, उनका अधिकार दिलाने के लिए वो अभी अंधेरे में पड़े हैं, वो उनको उजाला में लाने के लिए वो मशाल मार्च का आयोजन हम कर रहे हैं, ताकि उनको रास्ता दिखे, सही ढंग सही रास्ता दिखे, क्योंकि अंधेरा उनके पास पूरा अंधेरे में है, और वो उजाला लाने के लिए ये मशाल मार्च, ये क्रांति मार्च, ये भूमिपुत्र का भूमिपुत्र का जो स्थानिक लोकाधिकार हक है, वो जो उनका स्वतंत्र है, वो स्वतंत्र दिलाने के लिए वो मशाल मार्च यह हम करने वाले हैं। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।